हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्टडी विद एमके क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, एक अच्छी खबर आपके लिए लेकर आया हूं। कई विद्यार्थी बार बार मैसेज कर रहे हैं सर कि नए जिले बने हैं लेकिन वैकेंसीज नहीं आ रही है, नए जिले बनने के बाद कौन कौन सी वैकेंसीज आ सकती है। तो यहाँ पर बिल्कुल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी अभी एक्शन मोड के अंदर है और तुरंत जो है दोस्तों चीजों को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ही नए जिलों की यहाँ पर अनुमोदन किया गया, कैबिनेट की अनुमति मिली, सारी चीजें हुई और तुरंत यहाँ पर दोस्तों राजस्थान सरकार राजस्व यानी ग्रुप टू जो विभाग है उसकी तरफ से यहाँ पर जो है एक लेटर यहाँ पर जारी हो चुका है, जिसमें आप देख सकते हो 5/8/2023 को इसमें साफ साफ बताया कि जो नए जिले बने आपके अनूपगढ़, बालोतरा, जो भी आपके 19 यहाँ पर कहने का मतलब 15 जो 19 में से 15 जो जिला कलेक्टर हैं उनके कार्यालय में ये जो है पद स्वीकृत है, ये पद इनकी स्वीकृति प्रदान कर दी है, यानी प्रशासनिक और वित्तीय दोनों ही मिल गए साथ में। मेन काम होता है वित्तीय स्वीकृति, पैसे की बात होती है, पैसा होते भर्ती स्टार्ट हो जाती है। अभी देखा होगा कई सारी भर्तियां वित्तीय स्वीकृति के लिए अटकी हुई है, तो यहाँ पर इंस्टेंटली इन्होंने ये चीजें कर दी है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। कौन कौन सी वैकेंसीज है यहाँ पर देख लीजिएगा, जो भर्तियां यहाँ पर इसमें आपका जिला कलेक्टर लेवल 21 के अनुसार इसमें 15 जो पद है कुल, और यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों यहाँ से सहायक लेखा अधिकारी, अतिरिक्त निजी, इन टोटल 15 है, 15 डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एक वैकेंसीज है इनकी, ठीक है। राजस्व लेखा अधिकारी, तहसीलदार, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों आगे यहाँ पर बात करेंगे, आगे आप देखोगे इसमें जो अच्छी यहाँ पर जो आप सभी फॉरम वगैरह अप्लाई कर सकते हो, कनिष्ठ सहायक की है, सूचना सहायक की है, जमादार की है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की है, कुल मिला के 510 नई वैकेंसीज है यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा 510 यानी 510 वैकेंसीज यहाँ पर जो है ये बिल्कुल फिक्स हो चुकी है आपकी, और बहुत जल्द LDC यानी LDC की जो भर्ती है उसमें पदों की संख्या बहुत ज्यादा होने वाली है, तो ये भी शामिल हो जाएंगे। अब सोचो आप, ये तो अभी एक एक कार्यालय के अंदर हुए हैं, बाकी कितने कार्यालय हैं, बाकी और चीजें बढ़ेगी तो उसमें भी पद बढ़ेंगे, तो आपके लिए चीजें अच्छी हुई है। जिले बढ़ने से दोस्तों बिल्कुल स्वागत करना चाहिए जिलों मुख्यमंत्री जी का कि जिले बनाए हैं तो अच्छा काम हुआ है, अपने पास इतनी वैकेंसी आई है, हालांकि दोस्तों कम है लेकिन अभी धीरे धीरे और चीजें हो जाएगी। यहाँ पर देखो होमगार्ड वगैरह की भी है, इसके अलावा फोर्थ क्लास चतुर्थ श्रेणी है, जमादार की है यहाँ पर, ठीक है ना। अभी इनके जल्द ही यहाँ पर नियम शुरू होने वाले हैं कि कैसे इनको भर्ती करना है, पहले से जो नियम है उस तरीके से। अब यहाँ पर देखो जो यहाँ पर बताया गया है कि जो SDM कार्यालय है उसमें पद कौन से रहने वाले हैं, जिसमें आप देखो इस तरीके के जो 6 पद हैं प्रत्येक में अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो है ये रहने वाले हैं, तो टोटल यहाँ पर दोस्तों अगर अपन बात करें इसके अंदर जो बजट में तहसीलदार वगैरह, ऑफिस कानून को, ये सारे मिला के यहाँ पर जो है लगभग आपके 90 पद और यहाँ पर किए गए हैं, तो टोटल अगर अपन बात करें तो लगभग 600 प्लस यहाँ पर जो है वैकेंसी आ रही है, 600 प्लस ये अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। तो ये सभी विभागों में आपके आने वाली है, तैयार हो जाइए आप जो दोस्त LDC का, कनिष्ठ सहायक का, सूचना सहायक का और भी इंतजार करें, हालांकि पहले वाली वैकेंसी पेंडिंग है लेकिन दोस्तों ये अब जल्द होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको पता है इनमें कार्य तो करवाने होगा ना, इसीलिए इसको ये कल ही जारी हो चुका था और वित्तीय स्वीकृति यहाँ पर मिल गई है। बाकी आप हमारी एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो, स्टडी विद MK प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, वहां पर ये नोटिफिकेशन और कई सारी चीजें मिल जाएगी, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। हम राजस्थान रोडवेज जलदारी सभी परीक्षाओं की तैयारी आपको करवा रहे हैं, तो आशा करते हैं दोस्तों समय समय पर आपको अपडेट मिल रही है, तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।